हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके डिजाइन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं चैनल पर हर रोज एक नया हाउस प्लान अपलोड करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप सभी को अलग अलग साइज व डायरेक्शन के मॉडर्न हाउस प्लान मिल सके। आगे आने वाले प्लान और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए प्लान और बनाने की कोशिश करूँ। आज के प्लान का साइज होगा 20 फीट बाय 30 फीट। इस प्लॉट का डायरेक्शन दक्षिण दिशा होगा। तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है या रोड है। ये रैंप डिजाइन किया है, यहाँ आप रैंप बना सकते हो। ये मेन गेट है, मेन गेट से चलते ही पोर्च आता है। पोर्च का साइज 8 फीट 9 इंच बाय 13 फीट रखा है, जिसमें आप कार पार्किंग कर सकते हो और बाइक पार्किंग भी कर सकते हो। पोर्च में स्टेयरकेस डिजाइन किए हैं, जो कि रेंट पर्पज के अनुसार बनाया है। पोर्च के लेफ्ट में ड्राइंग रूम डिजाइन किया है, जिसका साइज 8 फीट 9 इंच बाय 8 फीट 6 इंच रखा है। ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए फ्रंट में एक विंडो डिजाइन किए है, जो कि 4 फीट की होगी। पोर्च की तरफ एक विंडो डिजाइन किए है, जिसका साइज 4 फीट 6 इंच रखा है। दोस्तों, ड्राइंग रूम में ये सोफे डिजाइन किए हैं और इसमें इस दीवार पर LED टीवी लगाया है, और इसमें आप चाहो तो ऐसी डिजाइन कर सकते हो इस डायरेक्शन में। दोस्तों, इसमें आप और चेंजेस कर सकते हो या आप सिंगल बेड भी लगा सकते हो। ड्राइंग रूम से चलते हैं लॉबी एरिया में। लॉबी का साइज 8 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 6 इंच रखा है। लॉबी में डाइनिंग टेबल लगाया है इस प्रकार। लॉबी के राइट हैंड साइड किचन डिजाइन किया है, जिसका साइज 8 फीट 9 इंच बाय 6 फीट रखा है। ये किचन प्लेटफॉर्म बनाया है, आप यहाँ गेस्ट डिजाइन कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें चिमनी के लिए 1x1 का या इस तरफ एक विंडो डिजाइन कर सकते हो। किचन से बेडरूम की तरफ चलते हैं। इस बेडरूम का साइज 12 फीट बाय 9 फीट रखा है। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ 3 फीट का वेंटिलेशन रखा है OTS, जिससे कि आसानी से वेंटिलेशन मिल सके। और इस बेडरूम में यहाँ बेड डिजाइन किया है। बेड के फ्रंट में यहाँ एक वार्डरोब डिजाइन किया है। इसमें LED टीवी यहाँ पर लगा है। आप चाहो तो इसमें LED टीवी इस वॉल पर भी लगा सकते हो। दोस्तों, ये है कॉमन टॉयलेट, जिसका साइज 5 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 6 इंच रखा है। इसमें इसका डोर इधर डिजाइन किया है, आप चाहो तो इसमें यहाँ पर डोर डिजाइन कर सकते हो। तो ये था दोस्तों 20 फीट बाय 30 फीट हाउस प्लान। इसमें मैं आपको RCC का मैं बता देता हूँ। यहाँ वेंटिलेशन रहेगा, RCC नहीं होगी इधर। और इसमें आप आउटर वॉल से 2 फीट 6 इंच बाहर RCC कर सकते हो। तो ये था दोस्तों 20 फीट बाय 30 फीट हाउस प्लान। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए प्लान और बनाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लान के साथ। तब तक देखते रहें और सीखते रहें।